हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर वॉशिंग टेक्निक इंडिया। तो यार दशहरे की सेल हो चुकी है लाइव फॉर प्लस मेंबर्स और आज सबके लिए लाइव हो जाएगी रात को। तो आपको कौन से फोन इस सेल के अंदर लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए मैं आपको बता दूंगा। जिन फोन्स के लिए आपको वेट करना चाहिए दिवाली सेल के अंदर, तो ये सब मैं इस वीडियो में बता दूंगा। मैंने यार काफी माइन्यूटली प्राइस ट्राई किया था बिग बिलियन डे सेल के अंदर और जो अभी दशहरे की सेल है, और मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा कि आपको दिवाली में क्या एक्सपेक्टेशन मिल सकती है। क्योंकि यार ये जो मैं लास्ट ईयर से ट्रेंड नोट कर रहा हूँ ना, और मैं को काफी अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रेंड के आसपास ही और ऑलमोस्ट जो प्रेडिक्शन मैंने करी है उसके आसपास ही आपको प्राइस देखने को मिल रहा है और डेफिनेटली आप फायदा उठा सकते हो। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, आपकी डेफिनेटली सेल के अंदर तो काफी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा यार मैं बाकी सारी काफी वीडियोस बनाता रहता हूं, और अगर आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करोगे तो वहां आपको लाइटनिंग डील्स भी देखने को मिल सकती है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट अ डिले। तो यार सबसे पहले अगर आप आईफोन लेना चाह रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जिन लोगों ने कल रात को ले लिया है वो ठीक है, बट आप आज रात को तो बिल्कुल मत खरीदना क्योंकि रेट हो चुके हैं स्काई हाई। और iPhone 13 कल रात को एज लो एज 56,000 का मिल रहा था। मैं बताऊं 54 तक तो iPhone 13 का प्राइस ठीक था सेल टाइम में, वैसे तो 56 इज आल्सो गुड, बट जिन्होंने 56 का भी ले लिया इट्स ओके, आप लोग कैंसिल मत करना, प्राइस ठीक है। क्योंकि दिवाली सेल के अंदर आपको 52-53 देखने को शायद मिल सकता है, क्योंकि जो दिवाली सेल है वो बिल्कुल बिग बिलियन जैसी होगी और थोड़ी मतलब बिग बिलियन जैसी हो सकती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिग बिलियन की एकदम बराबर होगी, बिग बिलियन से डेफिनेटली महंगी होने वाली है, बट हाँ आपको काफी डिसेंट प्राइस देखने को मिल सकता है 13 का। बट यार जो करंट सिनेरियो को देखते हुए और दशहरा सेल को देखते हुए इसका प्राइस मेरे को लगता है थोड़ा 2,000 रुपए ओवर प्राइस निकाला है। और 12 मिनी का मुझे लगता है पर्सनली प्राइस ठीक आया था 35,000 रुपए जो मैंने एक्सपेक्ट किया था और उतना ही आया, और 31-32,000 का ही 11 था जो एक्सपेक्टेड था। तो यार आईफोन अगर आप लेना चाह रहे हो ना, तो अगर आप थोड़ा टाइम होल्ड कर लोगे ना तो आप डेफिनेटली फायदे में रहने वाले हो और दिवाली में आपको ठीक ठाक प्राइस मिल सकता है। आ जाते हैं हम एंड्रॉइड फोन्स पे और एक वैरायटी ऑफ फोन्स। तो मैं इसके अंदर इस वीडियो में ना आपको बता दूंगा 10,000 से लेकर अराउंड 40-50,000 तक कि कौन सा फोन आप कंसीडर कर सकते हैं, आपके लिए ईज हो जाएगा, जो जिनका प्राइस बिग बिलियन में भी वही था और आज भी वही है। तो यार ये चीज देखने में मुझे काफी टाइम लगा। तो अगर आप ये सारे फोन जो भी मैं बता रहा हूं ना, अगर आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लोगे ना तो मेरे को थोड़ा फायदा हो जाएगा, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला फोन जो है आपका सैमसंग का F23, जो मुझे लगता है एक काफी बढ़िया फोन है F23। अगर हम सैमसंग का देखेंगे तो इस टाइम पे जो करंट प्राइसिंग चल रही है वो है 12,999 रुपए। 12,999 रुपए में आपको मिलता है एक बहुत बढ़िया 750G स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, बट इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले आपको मिलेगी बट एमोलेड नहीं है यहाँ पे। और मुझे लगता है ये फोन इस प्राइस पॉइंट में काफी डिसेंट है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डेफिनेटली खरीद सकते हो इस प्राइस पॉइंट में। 13,000 रुपए का है, सेल के बाद आपको मिल जाएगा 1,000 रुपए का डिस्काउंट 12,000 रुपए में, जो कि एक बढ़िया प्राइस है। मूव करते हैं नेक्स्ट, जो इस प्राइस पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे वो है रियलमी का 9 5G SE फोन है। आप ये ध्यान रखना कि आप फोन सही से लिख रहे हैं और मेरे लिंक से लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा, क्योंकि 9 में 9 प्रो आता है, 9 5G आता है, 9 SE भी आता है। तो मैं आपको 9 5G SE की बात कर रहा हूँ। तो ये फोन काफी बढ़िया है, अगर आप ये वाला फोन लेते हैं ना तो आपको डेफिनेटली फायदा हो सकता है। क्यों फायदा हो सकता है इस फोन के अंदर, क्योंकि आपको इसके अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। और इस प्राइस का जो फोन है ना आपको मिल रहा है अराउंड 14,499 का, जो मेरे को लगता है बिग बिलियन में भी जो प्राइस है ना वो 14,999 था। तो यार मेरे को लग रहा है बिग बिलियन से भी 500 रुपए शायद सस्ता लग रहा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट हाँ इसी प्राइस पॉइंट में आपको मिल रहा था बिग बिलियन के अंदर भी। तो ये मुझे लगता है एक काफी बढ़िया फोन बना रहता है। अगर आपका रेंज 15,000 रुपए की है तो आप इस फोन को बिना सोचे समझे उठा सकते हैं और आपको कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये फोन मुझे लगता है काफी बढ़िया डील बना रहता है। इसके अलावा जो बिग बिलियन सेल के अंदर बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा था ना, वो रियलमी 9 Pro Plus 5G मिल रहा था, तो बट यार वो इस सेल के अंदर काफी कॉस्टली हो चुका है, मुझे ना 24-25,000 का दिख रहा है और वो मैं अब आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। तो इससे बेटर मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पोको का जो F4 था ना, पोको F4 वो सेल में भी बहुत अच्छा मिल रहा था और अभी भी बहुत अच्छा मिल रहा है, आप डेफिनेटली उसको कंसीडर कर सकते हो। तो अभी प्राइस है 23,500 रुपये और डिस्काउंट के बाद वो पड़ेगा 22,000 रुपये और सेल में भी वो 21-22,000 का ही था। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी डील बना रहा था पोको F4 की। पोको F4 एक बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपको इसके अंदर मिलता है एक बहुत बढ़िया स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर, जो कि काफ़ी स्टेबल चिप है, प्लस उसके अलावा आपको इसके अंदर मिलती है एमोलेड डिस्प्ले, और ये चीज़ मुझे लगता है इस फोन को एक स्टैंड आउट कर देती है इस प्राइस पॉइंट में करंटली अगर हमने सिनेरियो देखे। इसके अलावा रियलमी का जो फ़ोन आया था, जो नया नया लॉन्च हुआ था, जो उसका नाम है रियलमी नियो GT 3T, तो यार एक तो इतने बड़े बड़े नाम रख देते हैं कि बंदा वैसे ही भूल जाए,
वैसे बंदे को याद ना रहे, रियलमी जी टी न्यू 3T, ठीक है। तो ये प्राइस ना अभी इसके अंदर 30,000 रुपये दिखा रहा है, बट ना आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स के बाद ये आपको मिल रहा है 24,000 रुपये का। तो मुझे लगता है 23,299 का, जो कि मुझे लगता है काफ़ी डिसेंट प्राइस है फॉर दिस फोन। तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। इसमें भी 870 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, बट अगेन वही वाली बात है, आपको रियलमी UI ज़्यादा पसंद है तो आप इस पर जा सकते हो, अदरवाइज मैं आपको पोको F4 ही रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा यार एक फ़ोन और है जो मेरे को काफ़ी हाई रिकमेंड करता हूँ, मैंने इसको पर्सनली भी यूज़ किया हुआ है, रेडमी K50i। तो रेडमी K50i अभी भी सेल में बहुत अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है आपको, आपको ऑल कार्ड डिस्काउंट या सब कुछ लगाने के बाद आपको इजीली देखने को मिल जाएगा 21,800 रुपये का, जो मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया प्राइस है इस फोन के लिए। ओनली इशू विद दिस फोन इज कि भाई इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगी, बाकी जो F4 है और रियलमी वाला फोन है उसके अंदर आपको एमोलेड मिलेगी, बट इसका प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया 8100 डायमेंसिटी प्रोसेसर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया फोन बनाया था और मुझे लगता है ये काफ़ी रिलायबल फोन भी है, तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो अगर आप चाह रहे हो इस रेंज का फोन लेने का। इसके अलावा अगर आपका बजट 28,000 तक जाता है ना, तो अगेन वही एक फोन है जो कि बहुत बेस्ट फोन है, जो मैंने बिग बिलियन में भी रिकमेंड किया था और आज भी इसका प्राइस सेम है, विच इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि जो फोन आपको मिल रहा है वो 888 स्नैपड्रैगन के साथ 11T प्रो शाओमी का, जो कि 35,000 का फोन है, बट ऑल डिस्काउंट लगाने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा 28,000 रुपए का, जो कि मुझे लगता है अगेन बहुत ही बेटर डील मिल रही है इस टाइम पे, अच्छी डील है, आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो एट दिस प्राइस पॉइंट। इसके अलावा एक GT2 प्रो करके फोन आया था, जो कि मुझे लगता है काफी बढ़िया फोन था, जो 30,000 से 35,000 की सेगमेंट को कवर कर रहा था, बट वो फोन अब जा चुका है क्योंकि अब वो फोन महंगा हो चुका है और मैं अब इतना महंगा शायद उसको रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, और वो इस समय जो करंट प्राइस है ना GT2 प्रो का, मैं आपको बता रहा हूँ इस सेल के अंदर, आप डेफिनेटली अगर आप GT2 प्रो लेना चाहते हो तो शायद आप दिवाली का वेट कर सकते हो, और दिवाली में आपको देखने को मिल सकता है काफ़ी डिसेंट प्राइस। अभी 41,000 का पड़ रहा है और मैं उसको इस टाइम पर तो रिकमेंड ऑनेस्टली नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो प्राइस पॉइंट है ना वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है फॉर GT2 प्रो, 40,000 से ऊपर तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। इसके अलावा IQ9 का जो प्राइस था वो भी काफ़ी अच्छा आया हुआ था सेल के अंदर, जो बिग बिलियन डे सेल थी, और करंट सेल में भी IQ9 का प्राइस मुझे लगता है काफ़ी ठीक ठाक मिल रहा है, जो कि है 37,550, और उसके बाद आपको मिल जाएंगे कार्ड डिस्काउंट और सब कुछ लगाने लगने के बाद मुझे लगता है आराम से आपको पड़ सकता है 34,000 रुपये का, जो कि एक अच्छी डील है अगर आप 34-35,000 में IQ9 लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर 888 प्लस स्नैपड्रैगन आता है, प्लस 120 वॉट की फ्लैश चार्ज, मतलब मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ 120 वॉट का चार्जर, वहीं 10-15 मिनट फोन चार्ज हो जाते हैं, मजा अलग ही आ रहा है, सुबह उठता हूँ चार्जिंग लगाया फोन चार्ज, मतलब ये फन होता है भाई ऐसे वाले फोनों का। इसके अलावा दूसरा फोन जो है ना थोड़ा महंगी वाली कैटेगरी में मैं बता सकता हूँ, वो है Xiaomi का 12 Pro, जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। कहाँ गया भाई मेरा फोन Xiaomi का 12 Pro? वो वैसे मेरा ज़्यादातर सेकेंडरी डिवाइस है और मैं उसको अपनी हारी एंड्रॉयड रिलेटेड नीड्स उसी से ही मेरी हो जाती है पूरी, और मुझे लगता है ये अच्छा फोन है, काफ़ी नेक्स्ट लेवल फोन है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले आपको मिल रही है और ओवरऑल एक डिसेंट फोन मुझे लगा। काफ़ी लोगों के फ़ोन के अंदर ये फॉग इशू वाली चीज़ इस समय चल रही है इस फोन में, बट पर्सनली मैं बताऊँ मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फोन एकदम मस्त चल रहा है। एक चीज़ मुझे जो इस फोन में दिक्कत लगती है वो है इसका हीटिंग इशू, वो जो कि मुझे लगता है शायद सारे 8th Gen 1 फोन में है, बट GT2 Pro वॉज वेरी गुड मतलब एट हैंडलिंग द हीट इशू, जो मैंने नोटिस किया था जब मेरे पास GT2 Pro भी था कुछ टाइम के लिए। तो ये सारे फोन आप इस सेल में डेफिनेटली खरीद सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से खरीद लोगे तो बहुत बढ़िया है। तो ये चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, और इसके अलावा कोई और फोन लेना चाह रहे हो उसका प्राइस आपको कंफर्म करना है या कुछ आपने मेरे से पूछना है, या फिर आप खुद भी कर सकते हो, एक प्राइस ट्रैकर करके ऐप आती है उधर से आप चेक कर लेना, क्योंकि वहां से चेक करने से ना आपको पता चल जाता है कि आपकी लास्ट जो सबसे सस्ता फोन कितने का मिल रहा था वो, या कोई भी डिवाइस, तो आप वहां देख के लें, क्योंकि ऐसी दिशहरे वाली सेल ना काफी हद तक गिमिकी होते हैं और इनके अंदर आधी चीजें महंगी मिलती है आधी सस्ती, तो आप देख देख के लेना। और ये फोन मैंने कुछ हैंड पिक करें जो मुझे लगता है काफी बढ़िया फोन है, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो किसी फोन के बारे में, आप पूछना चाहते हो कि इतने का मिल रहा है तो ठीक है, तो आप मेरे से जरूर पूछ लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।